हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आज है मनाली में day 3 और आज का वेदर इतना अच्छा है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत प्यारी धूप निकली हुई है आज। आज वेदर कुछ अलग ही है, बिल्कुल सनी डे है आज, बहुत प्यारा है। और रात ना हमारे साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट बोल सकते हो आप हुआ। हम लोग रात को 4 बजे तक इंजॉय कर रहे थे बैठ के, उसके बाद हम सोने लगे तो हमें ऐसा हुआ कि कोई हमारी खिड़की पे है और ज़ोर ज़ोर से उसको खड़का रहा है। बट हम सेकेंड फ्लोर पे है तो ऐसा हो भी नहीं सकता, बहुत डर लगा। और उसके बाद हम अपने फ्रेंड्स के रूम में चले गए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और वहाँ पे वो भी डरे हुए थे, उनके रूम में भी ऐसी आवाज़ें आ रही थी और बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही थी। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, खिड़की खोल के देखा डर डर के, तो बहुत तेज़ वाला तूफान था। और हम लोग उसके बाद एक ही कमरे में सोए क्योंकि हमारी बहुत क्योंकि हमें बहुत डर लग चुका था। 4 बजे सोए हैं, नींद पूरी नहीं हुई है, लेट हो गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, 10 बजे हम उठ गए हैं और अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए डायरेक्ट ब्रश करके। और दिखाती हूँ ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। गाइज, अब हम रेडी हो गए हैं और हम जा रहे हैं मॉल रोड घूमने। और एज़ यूजुअल हम फिर से लेट हैं क्योंकि हमारा ग्रुप बहुत लेट लतीफ़ है, सब बहुत लेट निकल रहे हैं। अभी भी सब लोग नहीं रेडी हुए हैं, सब लोग नीचे नहीं आए हैं, बट हम जो रेडी हैं हमारे हैं। और सबसे लेट लतीफ़ है मेरा पति जो इतना मेकअप करता है ना, अब आ रहा है ये तैयार होके। और एक कपल और रहता है अभी। चलो 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 मॉल रोड चलते हैं और घूमते हैं और दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या है। चलो आप लोग को साथ में लेके चलते हैं। गाइस, अभी हम मॉल रोड जा रहे थे बट रास्ते में हमें जिप लाइन दिख गई है और हम यहाँ पे जिप लाइन के लिए रुक गए। आप देखिए यहाँ पे जिप लाइन हो रही है, बिगेस्ट जिप लाइन इन वैली, और कपल जिप लाइन है ये, बट बहुत कॉस्टली लग रही है, 500 रुपीज पर पर्सन। तो अभी डाइस ही हो रहे हैं कि हम लोग करें या ना करें, क्योंकि हमने पीछे कहीं पे 200 रुपीज पर हेड भी देखा था, तो मे बी हम सोच रहे हैं वहीं पे कर रहे हैं। तो बताती हूँ हम कैसे कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने जिप लाइन करी है। बने रहिए साथ में। देखो भाई, ये मिनी और हमारी श्वेता भाभी चल दी है जिप लाइन करने के लिए। हमारे सब दोस्तों की फट चुकी है, लेकिन ये सब हिम्मत करके जा रहे हैं, डर चुके हैं और ये हिम्मत करके जा रहे हैं दोनों, हमारे मेरी बीवी मिनी और मेरी भाभी श्वेता। गाइस, स्वीटी भाभी, ये है व्यू। हिम्मत, पावर। कैप उतार दो, कैप ना गिर जाए। तो जी बस, कैमरा। खड़े हो जाओ। कैमरा देना भूल गए थे, कैमरे लेने लगे हैं दोबारा। अब रेडी हैं ये जाने के लिए, हवा चल रही है बहुत तेज। ये हमारे गौरव जी खड़े हैं, ये फट रही है इनकी, कोई नहीं, बीप डल जाएगा वहाँ पे। तो नारी शक्ति है, नारी शक्ति देखो, करनी है पक्का। नैना, तेरे को करनी है, करेगी भाई, इनके साथ चली जा, ये भी अकेली है। लो जी, रेडी, हैंड पकड़ो एक दूसरे का, ये नहीं पकड़ना, नीचे रखो थोड़ा भैया, इधर को देखो, ये नहीं पकड़ना, ये हिसाब से पकड़ ले, एक बार शुरू में पकड़ ले। चलो चलो, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।
खुश हैं दोनों। आज वो कर रहे हो क्या? मैं नहीं कर रहा मैं। नहीं कर रही। आजा बेटा। मुझे लगा तूने कर रखा था। ये मिनी और स्वीटी भाभी जिप लाइन करके आते हुए हैं। ये अपना एक्सपीरियंस बताएंगे अब कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस। हाँ जी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत मजा आया इनको। ये स्वीटी आ रही है। स्वीटी जी कैसा रहा? बहुत अच्छा। ये चढ़ना बहुत मुश्किल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत बढ़िया। और ये इतना भारी ट्राइपॉड पकड़ा दिया मेरे हाथ में। इससे अच्छा मैं अपना फोन लेके जाती। गाइस अपने डिक्लाइन कर ली है और अब हम खा रहे हैं यहाँ पे मैगी पहाड़ों में बैठ के बीच रोड पर। उधर मुड़ो और व्यू के साथ फोटो लो। बहुत अच्छी लग रही है। गौरव भैया के बाद एक कपल जाने में डर रही थी उसकी एक लेडी लड़की। मैंने भैया को बोला मैं भैया इसको हल्का सा ना हल्का ढीला बेटा और धक्का दे दो। वही कर दिया। जा ही नहीं रही है। उतार दो उसका वो जो भी साथ में था वगैरह। चल महंगे महंगे फोन लेते हैं। वीडियो लेनी है उनसे एक बार। रुक जाओ दो महंगे और बना देना। कुछ भी नहीं था ऐसे 500 रुपए दिया मैं तो अपने फोन में बना लूं। ये क्यों नहीं फिर वो कह रहा सबके होने के बाद दूंगा। पहले मैं कह रही हूँ मैं इनके साथ नहीं हूँ। उसको पता है साथ में। जब आपका हाथ छोड़ा ना इसने झटका लगा था गिर जाता फोन। इसने गलत करा ना छोड़ दिया तो अभी तो मना कर रहा है फोन में। यार उसने बताया नहीं हाथ छोड़ना नहीं छोड़ना। मैंने तो अपना मना किया था बिल्कुल हाथ नहीं छोड़ना उसने बोला था। तभी तो मुझे क्या लगा वो तार में टांगों के बीच में आ जाएगी हम गिर जाएंगे। तभी तो उसने कपल जिप लाइन बना रखा। अकेली लड़की गई है ना उसके साथ खुद बैठ के गया है वो अकेले नहीं जाने दिया उसको। अलग स्टाइल में बोलते हैं कंफ्यूजन हो रही है। हम आगे जाए कि हम तंबोला खेले अभी समझ नहीं आ रहा। डिसाइड कर रहे हैं हम। मॉल रोड हम पहुंच गए हैं। हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पे ये तंबोला खिला रहे हैं और यहाँ पे मैं ये डिसाइड करना कि हम तंबोला खेले या नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं खेले और कुछ कह रहे हैं बाद में खेलेंगे। नंबर स्टाइल में बोलते हैं तीन नंबर तंबोला के प्राइस देख लो। बाइक कैश एंड कार। द मोनेस्ट्री है यहाँ पे। कपड़े सारे रीजनेबल प्राइसेस पे मिलते हैं और हर टाइप का वूलन क्लोथ्स है यहाँ पे। सब एक एक करके शॉपिंग के लिए घुस गए और हम दोनों यहाँ खड़े हैं बाहर और मार्केट में। बहुत भीड़ है। भैया ये क्या है? ये गुलाब जामुन है। रसभरी गुलाब जामुन। बोलो मुझे दूर से गुलाब जामुन बताइए। मुझे दूर से बेर लगा। एक छोटा वाला गुलाब जामुन उसको बोलते हैं रसभरी गुलाब जामुन। ये यहाँ का फेमस है। बोलो इन तीनों में से बताओ कौन सी लेंगे। रेड ये या जो पहन रहे दिखा भाई। ये कल ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये छोटी है थोड़ी सी छोटी बिल्कुल आ रही है। पहन के दिखाओ। ये भी अच्छी लग रही है। रेड नहीं पर अच्छी लग रही है। ये ले लो। हाँ ये अच्छी लग रही है। गर्ल्स की होंगी ना ये फ्लावर्स ऐसे पैटर्न्स बने हुए हैं। ये गर्ल्स की बेल्ट है ना जी। हाँ ये वही है ना। मैं लगाती नहीं बेल्ट आपको पता है। ये मुझे नहीं लेनी। नहीं अच्छी नहीं है। बॉटल कंपास वाली। गाइस ये बॉटल देखो कैसी है। कंपास वाली बॉटल नहीं कंपास नहीं है। ये साइड से ऐसे खिच खि वो खुल जाएगी। इस टाइप से है ये खुल के ही ऐसे हो जाएगी। Thank you.
काफी टेस्टी है। मतलब बेर सा है। मुझे भी पहले बेर लगे थे। ले बेटा। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है लास्ट डे हमारा मनाली में। आज हम जा रहे हैं यहाँ से और कल बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मॉल रोड से आने के बाद कुछ भी व्लॉग नहीं किया और सो गए थे। तो अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, रेडी हो गए हैं, जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने और ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो चलो देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। गाइज़ अब हम अभी रास्ते में रुके हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। सब नहीं, दो से तीन जनों को पैराग्लाइडिंग करनी है, मुझे भी करनी है। मुझे बहुत डर लग रहा है बट मुझे करने का मन है। पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो अभी बाहर बात चल रही है जैसा कि आप देख रहे हो। मुझे नहीं पता क्या बात चल रही है, मैं जाके बाहर देखती हूँ। तो पैराग्लाइडिंग हम कर रहे हैं फाइनली और यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। मैं और दो जने और हैं जो कर रहे हैं। कौन कौन कर रहा है? मैं, स्मृति भाभी, अजय और नैना भाभी और चिनू भैया। पांच जने हम जो पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे पता नहीं कैसा होगा, सब कह रहे डर नहीं लगता बट मुझे बहुत डर लग रहा है। और यहाँ पे अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं, सबके नाम लिख रहे हैं। ये बच्चे ध्यान रखते ना, कुछ हो जाए मुझे तो बाबू बहुत डर लग रहा है। सच्ची पता ऐसा हो रहा है, दिल धक 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 कर रहा है। जैसे जैसे पास आ रहे हैं ना वैसे वैसे और डर लग रहा है। जीत पाएगी अपने पति से, पर जीत गई और कैश लिए थे उतरते ही उसने। बनता भाई, मुझे भी शर्त लगा के आनी चाहिए थी। मैं कहता रही थी मेरा पति मुझसे तो शर्त लगा ही नहीं रहा, उसको पता ही जाएगी। जो फर्स्ट फ्लोर पे है और नहीं भाई, मेरा पति जाने दे रहा वही बहुत है। मुझे तो जाने नहीं देगा। हां बिल्कुल, मुझे लग रहा था मुझे जाने नहीं देंगे। हां गाइस, हमने इस गाड़ी से उतार दी, अब हम दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ से हम दूसरी गाड़ी में बैठेंगे। हमें यहाँ पे बीच रास्ते में इस गाड़ी से उतार दिया है। ये गाड़ी आ गई है, उसमें बैठेंगे। भाई क्या हाल है? नहीं बोल रहे, आवाज आई, आवाज हो गई है लेकिन बोल नहीं रहे। उनको नहीं आई यहाँ, उनको मतलब उन्होंने बोला नहीं। चीनू जी मजा आ रहे हैं? घर पत रहा है झुला दिया है पूरा झूले झूल पूरे सीधी रेल गया है उतरते ही बोले। ठीक है ना, ऊपर जाकर उल्टी नहीं आएगी। ब्रेकफास्ट सारा डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर रुके हैं और यहाँ पे पायलट्स आ रहे हैं ना, तो जो हमें पैराग्लाइडिंग कराएंगे वो हमारी गाड़ी में बैठ रहे हैं। अब क्या देखूं? चिज्जी मैं क्यों करूँ चिज्जी देख के ना। देखना तो सबको होता है यार। हम चिज्जा देखेंगे। चिज्जी भी तो देखेंगे यार। अब हम फिर से चल पड़े हैं और अब हमारी पैराग्लाइडिंग पास पास पहुंच रही है और मेरी बैंड बजने वाली है। चीनू भैया पीछे खड़े होके बहुत डर रहे हैं। रास्ता बहुत खराब है। गाइस इतनी हाइट पे से हमें लेके जा रहे हैं और मैं बिल्कुल डर रही हूँ। मैं जाने वाली हूँ वापस। नहीं मैं जाएगी वापस, चुप रहे हैं। हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी भाई। सुनी यार क्या है, ऐसे थोड़ी करते हैं, कमाल है। तू हाइट तो देख कितनी है। उतरे भाई हम ओ गाइस इतनी हाइट से पैराग्लाइडिंग हो रही है और मेरी लिटरली फट चुकी है। सॉरी फॉर माय फाउल लैंग्वेज बट मैं कुछ नहीं कह पा रही। अभी यहाँ से पैराग्लाइडिंग हो रही है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी। ये देखो अभी पैराग्लाइडिंग स्टार्ट हो गई है। देखो
मिनी मेरी सच में हिम्मत नहीं हो रही है। क्या मना कर रही है? मेरी हिम्मत नहीं हो रही। भाभी कुछ नहीं, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही इतनी ऊंची से। नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, पैर कांप रहे हैं मेरे। कुछ नहीं हो रहा भाभी, एक मिनट का भी गेम नहीं है, बस एक मिनट का इतना बढ़िया लगेगा। गाइस मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए और बहुत डर लग रहा है, भैया बचा लेना मुझे प्लीज। बचा लेंगे मैम जरूर। बहुत डर लग रहा है मुझे। आपका नाम क्या है? गीतू। गीतू? हाँ जी। गीतू मेरे पायलट है जो मुझे लेके जा रहे हैं और इन्हीं के ट्रस्ट पे मैं जा रही हूँ। गाइस ये अभी जाने की तैयारी में है, ये विंड का डायरेक्शन देख रहे हैं, वहाँ पे आप एक धागा देख रहे हैं जो बंधा हुआ है, ये अगर सीधा ऊपर की तरफ जाएगा तो ही ये लोग जाएंगे क्योंकि विंड का डायरेक्शन कुछ इनका आइडिया है। और ये देखो ये निकल गए, ये देखो ये चले गए क्योंकि डायरेक्शन इनका सही हो गया था विंड का और ये चले गए। एक्साइटेड है बट बहुत डरावना भी है। और अब मेरा रेडी हो गया है यहाँ पे और अब मेरी टर्न है। ये मेरे पायलट गीतू हैं जो पैराशूट ये शूट रेडी कर रहे हैं और अब इनके बाद मेरी टर्न है। ये स्वीटी भाभी रेडी है, जा रही हैं वो फ्लाई करने के लिए। डर लग रहा है उन्हें बट थोड़ा हौसला दिया इनको करने। ये रेडी है भाभी, जा रही है हमारी। हाँ वही हाँ आ गए हम लोग, बस स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने पैराग्लाइडिंग कर ली है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बीच में थोड़ा बहुत डर लग रहा था जब वो ऐसे घुमाते हैं बट सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मेरे गाइड भैया एक मिनट,
ये गीतू है जिन्होंने मुझे पैराग्लाइडिंग कराई है और बहुत अच्छे से कराई है। हेलो कर दो भैया। और अगर कभी आना हो तो आप 832 पैराग्लाइडिंग वाले कॉर्नर से करना, बहुत अच्छे पायलट हैं सारे, जैसा आप बोलो वैसा कराएंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत मज़ा आ गया और मैं अपने बाकी फ्रेंड्स का वेट कर रही हूँ जो अभी आए नहीं हैं। एक मेरे साथ है जो कर चुके हैं पैराग्लाइडिंग, दूसरी मैं हूँ, तीन और है अभी आने वाले हैं, वेट कर रही हूँ और उसके बाद अब हम जाएंगे अपने बस की तरफ। हेलो गाइस, पैराग्लाइडिंग के बाद अब सीधा हम अब रुके हैं और अभी बज रहे हैं 8:30, थक गए हैं, बहुत भूख लगी और हम यहाँ पर उठ गए हैं ये राजा होटल पर और कुछ खाएँगे। और अभी हमने मनाली भी क्रॉस नहीं की, मतलब हम पहाड़ों से नीचे नहीं उतरे, मनाली क्रॉस कर लिया, अभी हम चंडीगढ़ भी नहीं पहुँचे हैं। इमेजिन 8:30 हो गए, रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम था। अब देखते हैं दिल्ली कब तक पहुँचेंगे। अब खाना खा के सीधा बस में जाके सोएंगे क्योंकि बहुत थकावट हो रही है। देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं, मैं आपको अपडेट करती रहूँगी।